सुबह सुबह चेंज करना है पैशन प्रो जो है पापा का, उनका गाड़ी का इंजन ऑयल, लेकिन इंजन अभी ठंडा है, इसको थोड़ा चला के आएंगे, देन इसमें इंजन ऑयल चेंज करेंगे, ठीक है। एंड डालेंगे यही वाला मोटूल 10W30 900 ml, तो ये 2-3 हज़ार किलोमीटर तक आराम से आप चला सकते हो। एंड प्राइस है कुछ ऐसा। ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मेरे चैनल में बहुत सारे इंजन ऑयल चेंज का वीडियोस वगैरह है बाइक का। फिर से आज पापा का जो बाइक है पैशन प्रो, उसमें इंजन ऑयल चेंज करना है। हीरो का कोई भी बाइक हो उसमें आप 10W30 डाल सकते हो अंडर 150 cc। ओके एंड मोटूल बेस्ट है, मोटूल मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत सालों से, बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। ये जो इंजन ऑयल मैं दिखाया आप 3000 किलोमीटर के बाद चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाला इंजन ऑयल नहीं है, मिनरल वाला है। बोलते हैं बोल्ट को, तो 17 का स्पैनर चाहिए, 17 का स्पैनर की मदद से हो जाएगा। सर में जाके हम लोग खोल देंगे बोल्ट को, तो फ्रेंड्स आप नहीं देख सकते हो, तो उसको बोल्ट को मैं खोल रहा हूँ। एक्चुअली तो ये है इंजन ऑयल निकल रहा है, जस्ट ये है ड्रेन बोल्ट। ओके इसको साफ करके बाद में लगाएंगे, एंड अभी पूरा इंजन ऑयल को निकालते हैं। एंड फ्रेंड्स इंजन ऑयल निकलते निकलते मैं ऊपर से भी वो टॉप अप पॉइंट खोल दूंगा जिससे हवा अंदर जाए, एंड इसी के साथ थोड़ा किक भी मारना पड़ेगा तब जाके पूरा इंजन ऑयल निकल जाएगा। ये है इंजन ऑयल इंडिकेशन का लेवल। एंड फ्रेंड्स 2-4 बार किक मारेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये है पुराना इंजन ऑयल, ठीक है, एंड इसका क्वालिटी आप देख सकते हो, तो ख़राब हो चुका है इंजन ऑयल। एंड ये नीचे आपका इधर है बोल्ट, एक्चुअली इस साइड में मैं उंगली से दिखा देता हूँ आपको, इधर इधर है बोल्ट, तो नीचे से देखना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप देख सकते हो इधर होगा बोल्ट। एंड ये है ड्रेन बोल्ट, इसको हम साफ करके लगाएंगे।
फ्रेंड्स पहले जो है बोल्ट को हाथ से ही टाइट करना पड़ेगा, देन आप स्पैनर की मदद से फुल टाइट कर दीजिए एंड चेक कर लेना पड़ेगा कि वॉशर एंड बोल्ट का जो मतलब हेक्स बोल्ट है उस वो सही है, सही नहीं होगा तो स्लिप हो जाएगा, फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है इसको ये करना, उसके बाद स्पैनर की मदद से टाइट मारेंगे प्रॉपरली। तो आप एडजस्टेबल की मदद ले सकते हो एक्सटेंशन, बाकी हम तो ऐसे ही कर देते हैं इजीली एंड अगर एक साइड से नहीं हो रहा तो दूसरा साइड से भी आप कोशिश कर सकते हो। इस साइड से इजीली हो रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा टॉर्क नहीं मारना है, जितना चाहिए उतना ही करना है, ठीक है। अभी इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, हो गया है ड्रेन बोल्ट एंड इसके बाद इसको क्लीन कर देना है, डालेंगे इंजन ऑयल। तो टॉप अप प्लग तो मैं पहले ही खोल दिया था, इसमें एक फनल लगाना है एंड ये है इंजन ऑयल, ठीक है, इसको खोलेंगे एंड इसके बाद इधर थोड़ा सा होल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स होल कर दिया हूँ एंड इसमें है 900 ml देख सकते हो आप, तो इसको डायरेक्टली डालना है, कलर देख सकते हो आप मस्टर्ड ऑयल जैसा है। तो अभी फ्रेंड्स जो टॉप अप प्लग है ये उसको लगा देना है इधर प्रॉपरली, एकदम टाइट कर देना है, पूरा भी नहीं खींचना है कि थ्रेड खराब हो जाए, बाकी इसकी मदद से फ्लायर की मदद से थोड़ा सा टाइट कर सकते हो बस हो चुका है। एंड इसके अंदर फ्रेंड्स एक कूपन है, आपको कैसा लगा? एक्चुअली इंजन ऑयल चेंज करने के बाद आपको गाड़ी को कुछ नहीं जो स्टार्ट करके 2-4 मिनट 5 मिनट रख देना है, ठीक है, एंड चेक कर लेना है कि लीकेज हो रहा है या नहीं, जैसे गाड़ी अभी स्टार्ट कंडीशन में है। एंड ये है कूपन 20 रुपीज़ का, तो ये कूपन आप जहाँ से इंजन ऑयल खरीदा हो उधर देंगे तो 20 रुपीज़ नेक्स्ट टाइम माइनस हो जाएगा, या तो वो कैश भी दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना एंड इंजन ऑयल मेरे पास भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या फिर फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, इंजन ऑयल मैं भिजवा दूंगा, ठीक है, कोई भी।